हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 15th ऑफ अगस्त और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी रात के 9 बज रहे हैं आई थिंक, और हम आए थे यहाँ मानसी रेस्टोरेंट जो कि जामनगर हाईवे पे है, जामनगर राजकोट हाईवे पे आता है। और मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ, हम यहाँ डिनर करने आए हैं। और ये रही, ये वहाँ का लॉन है, बाहर का एरिया है जहाँ पे हम लोग सब झूला झूल रहे हैं। देखो मैं उसका एक लुक दिखाती हूँ, इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों बहुत अच्छा है। आप लोग अगर यहाँ से जा रहे हो तो ज़रूर विज़िट करना, इट्स रियली ऑसम। और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है, इट्स प्योर वेज, सो वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा है, टेस्ट एक्चुअल में बहुत अच्छा है। तो ये जब गाड़ी हमारी पार्क हो रही थी तब का मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली ये वाला पार्ट जो आपने अभी देखा ना, वो उस समय नहीं बना था जब मैं लास्ट टाइम गई थी, तब ये नहीं बना था, ओनली ये वाला पार्ट था। ये पूरा बैम्बू से बना हुआ है। मैं क्लोज पिक्चर दिखाती हूँ आपको, और ये वाला पार्ट अभी बना है रिसेंटली। तो ऊपर में जो है ना वो होटल्स है, स्टे इन होटल्स हैं। और यहाँ पे आगे लॉन, हम इस एरिया में बैठे हुए थे, नंबर लगा हुआ था इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे। पर ये बहुत अच्छा लगता है, ये इसका एंट्री वे है। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ बैठेंगे, बट मेरे भाई लोग को एसी में बैठना था, वो बोले कि चलो यहाँ पे रश है हम वहाँ जाते हैं। तो हम उनके दूसरे वाले जो पार्ट है ये अभी अभी नया ही बना है, तो हम इसमें चले गए थे। बट इसका इंटीरियर जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। मीन्स हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, मतलब वो वाले रेस्टोरेंट में हम गए हुए थे, पर ये वाला पार्ट इनका नया बना था। और इनका जो इंटीरियर है, मीन्स बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है, बहुत अच्छा, फूड भी बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। ये देखिए, मीन्स इनका पूरा वुडन फर्नीचर है। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम ये साइड बैठेंगे, पर उन्होंने बोला कि ये दो पार्ट में टेबल स्प्लिट है, तो आप इस तरफ एक पार्ट में आ जाइए। और यहाँ से पीहू ने पूरा, मतलब उनका इंटीरियर का फ़ोटो लिया था, वीडियो निकाला था, ये मैंने ऐड कर दिया है। मैं मेन्यू डिसाइड कर रही थी तभी, और मम्मी मतलब कुछ फेसबुक भी चेक कर रही थी। और फिर हम यहाँ आके बैठे थे और जस्ट अब निकलने की तैयारी है हमारी। लेट नाइट भी हो रहा है, बट आई होप आपने आज का व्लॉग देखा होगा, सॉरी कल का व्लॉग देखा होगा। तो हमारा डिनर कंप्लीट हो गया था, फिर हम यहाँ पे बैठे थे और लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बहुत दिनों बाद झूले पे बैठी थी, और मैं मतलब कि अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, मींस जो मैं पहले यूजुअली ट्राई करती थी इस तरह से। तो मैं एक्चुअली पीहू टीन एज है, तो मैं उससे एक सिस्टर वाली नहीं, एक फ्रेंड जैसी बॉन्ड बना के देखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, तो हम घर के लिए निकल रहे हैं, तो मैं घर पर आपसे मिलती हूँ। तो ये हम घर की तरफ निकलते हुए, फिर मैंने एक फ़ाइनल शॉट लिया था राउंड एक सर्कल लेके। इसका नया वाला पार्ट जो बना है ना, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और ये जामनगर राजकोट हाईवे पे ही आता है, आई थिंक जामनगर सिटी से 12 to 15 किलोमीटर्स दूर होता है। तो हम घर की तरफ निकल गए थे। तो मैं जा रही हूँ अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं मेरा स्किन केयर रूटीन करूँगी। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे पिम्पल्स अभी हुए थे, यूजुअली हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से अभी मुझे पिम्पल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मेरी प्रेगनेंसी की मेडिसिन भी बहुत चल रही थी, दैट्स वाई उसकी वजह से भी हो रहे हैं। तो मैं रात को ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, बस जस्ट फेस वॉश करके और एलोवेरा जेल जो पतंजलि का है मैं वो ही यूज़ करती हूँ, वो लगा के और फिर सो जाती हूँ। सो यस, गुड नाइट, कल मिलते हैं। तो गुड इवनिंग, और ये है नेक्स्ट डे। एक्चुअली उस दिन सुबह से मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया था, और मतलब मैं थोड़े काम में बिज़ी थी। मैंने एक्चुअली बताया था आपको एक व्लॉग में कि मैं अंडर बेड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन का व्लॉग बनाने वाली हूँ, तो मैं वही वो एक्चुअली हमारा पार्सल आ चुका था, तो मैं उसमें बिज़ी थी, तो पूरा दिन मेरा वही ठीक करने में निकल गया। मैंने व्लॉग निकाल लिया है, तो वो मैं एक दो दिन में अपलोड करने वाली हूँ, तो इसलिए मुझे लेट हो गया था। तो मैं नहाई भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो मैं फेस मास्क लगा के फिर नहाने जाती हूँ, वैसे भी गंदी तो हो ही गई थी। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने फेस मास्क घर पे ही बनाया था, उसमें ज़्यादा कुछ आपको चाहिए नहीं होता है। मैंने एक कटोरी में 1 या 2 स्पून जितना दही लिया, उसमें एक चुटकी भर हल्दी, घर का पिसा हुआ हल्दी था, और थोड़ा सा
1 या 2 ड्रॉप जितना नींबू, लेमन जूस और 1 टीस्पून बेसन, ये तीनों को मैंने सबको मिक्स कर दिया और फिर मैंने अप्लाई किया था फेस पे, और पूरे नेक पार्ट को भी आपको कवर करना है। और तभी हमारी मेड भी आ चुकी थी, तो वो अपना काम कर रही थी और मैं प्लान भी कर रही थी कि नाश्ते में क्या बनाना है। यूजुअली हम बाहर से कुछ लेके नहीं आते हैं, बट कभी ऐसा होता है कि बाहर से खाने का मन होता है, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा खमन ढोकला या पेटिस या पनीर रोल ऐसा ही कुछ मंगवाते हैं। पर आज बाहर का कुछ खाने का इच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी लास्ट नाइट हम बाहर होटल में खा के आए थे। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं पोहा और बादाम सींग वो फ्राई करके घर पे ही सूखा नाश्ता बनाऊंगी। तो मैंने फटाफट से हाथ में अप्लाई किया, मैं ये फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ इसलिए, तो मैंने फटाफट से ये अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद फिर मैं फ्राई करने चली गई थी, मैंने कहा सूखने में टाइम लगेगा तब तक मैं फ्राई भी कर लूँगी, तो मुझे ज़्यादा ये सब मतलब इतना टाइम लगता नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो जो फेस फाउंडेशन ब्रश होता है ना, मैं उससे अप्लाई कर रही हूँ। फेस मास्क ब्रश भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपको एक कढ़ाई लेना है, उसमें 4 या 5 टेबल स्पून जितना ऑयल लेना है, मैंने रिफाइंड यूज़ किया है। मैं अभी सिंग दाना फ्राई करने वाली हूँ, तो ये रहा सिंगदाना। मैंने 1 बाटी 1 कटोरी जितनी सिंगदाना लिया था, इसको आपको हल्के आंच पे एकदम धीमे आंच पे पकाना है, मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब तक ये फ्राई हो रहा था, तो मैंने चाय उबलने के लिए भी रख दिया था साइड बाय साइड, क्योंकि मसाला पकने में टाइम लगेगा, इसलिए चाय मसाला मैंने डाला हुआ है। इसको जलाना नहीं है, ये देखिए हमारा हो गया था तो मैंने निकाल लिया। फिर एक बैच ऑलरेडी मैं निकाल चुकी थी, तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो फिर आपको सेम कढ़ाई में 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लेना है, रिफाइंड ही यूज़ कर रही हूँ मैं, और उसमें पोहा डाल देना है डायरेक्टली। कुछ मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, सिंपली ऑयल में इसको फ्राई किया है, और एक पिंच ऑफ सॉल्ट आप डाल दीजिए। बस इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा क्रिस्पी जैसा टेक्सचर आ जाएगा, तब आपको निकाल लेना है। और फिर मैंने इसमें एक एडिशनल ऐड किया है, वो ये है पापड़। मैं एक ट्विस्ट दे रही हूँ, पता नहीं कुछ लोग को पसंद आएगा या नहीं। अगर नहीं आए आता है आपको पापड़ साथ में, तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको मैंने फ्राई किया है, तो अब मैं इसको साथ में मिक्स करके चूड़ा बना दूंगी। इस तरह से तोड़ ले और आप मिक्स कर सकते हैं, और फिर आप इसको ऑनियन के साथ या मूली के साथ सर्व कर सकते हैं, जिनको पसंद है वो। और इधर हमारी चाय भी बन गई थी, चाय में मैंने एक मसाला डाला है, यूजुअली लोग बाद में डालते हैं, बट मैंने चाय मसाला हम लोगों ने चाय पत्ती के साथ ही, मतलब टी पाउडर के साथ ही मिक्स कर दिए। कुछ क्वांटिटी आप जितना लेना चाहें, आप उस क्वांटिटी के हिसाब से जो आपका टी पाउडर है, उस हिसाब से 1 स्पून 2 टी स्पून आप उसके साथ ही मिला दें, ताकि वो जब उबाल आएगा ना, तो उसके साथ उसका फ्लेवर और निखरता है। शाम के 7 बज रहे हैं, मैं थोड़ा मार्केट निकल रही हूँ, मैंने कुछ लेगिंग्स ऑर्डर दे रखे थे, तो मुझे वही पिक करने जाना है। मैंने बाल वॉश नहीं किया है, कल ही वॉश किया था, इसलिए बस मैं निकल रही हूँ, मैं आके आप लोग से मिलती हूँ। तो जैसे ही हम निकलने के लिए प्लान कर रहे थे, तो वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर सोच रहे थे जाऊं या ना जाऊं, बट जाना ज़रूरी था। एक्चुअली जो लेगिंग्स मैंने ऑर्डर कर रखे थे वो लाना ज़रूरी है, और जो कुर्तीज़ मैं अभी, एक गुड न्यूज़ भी है, मैं कुछ कुर्तियाँ अभी लॉन्च करने वाली हूँ ओनली फॉर ऑनलाइन, तो उसके लिए भी बात करने जाना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, निकल ही जाती हूँ, वेट करने से कुछ होना नहीं है। फिर फाइनली हम निकल गए थे। एक्चुअली बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बट अगर रास्ते में होती तो प्रॉब्लम होती, हम स्कूटी से जा रहे थे इस वजह से, और लिफ्ट भी आ नहीं रही थी। फिर सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम निकल जाते हैं, तो हम सीढ़ियों से ही निकल गए थे। और ये जूती आई थिंक मैंने कहीं ऑनलाइन में ही ऑर्डर किया था, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे ऑर्डर किया था। और ये मेरी मम्मी ने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं, वही है। आसमान बहुत सुंदर लग रहा था। सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम मार्केट। तो मैं मार्केट इसलिए गई थी क्योंकि मैं अभी बांधनी के कुछ कलेक्शंस लॉन्च करने वाली हूँ, अभी बहुत ट्रेंड में भी है वो, तो वो आपको 2-3 दिन में मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो मैं अभी 2 सैंपल लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये प्योर रेयन मटेरियल पे है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऊपर में जो पैच है वो पैच नहीं है, एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी है और सीक्वेंस का वर्क किया गया है, और ये जो गोल्डन फॉइल वर्क भी किया हुआ है पूरे बॉडी में, 3-4 स्लीव्स है। प्राइस 700 to 750 के बीच में रेंज करती है, और जो भी कलेक्शंस मैं अभी लाऊंगी वो मेरे एक दो दिन में व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रॉम साइजेस S to 7XL अवेलेबल है, तो जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं वो फिर ऑर्डर कर सकते हैं। सो यस, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। इफ यू लाइक सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज चेतना अजय कुमार। बाय बाय, गुड नाइट।